guys remember, मैंने just कुछ ही दिनों पहले tire pressure monitoring system की unboxing की थी, both internal and external, and pretty decent view count भी है उसपे. So लेकिन काफी ज़्यादा लोग wait कर रहे हैं कि मैं उन्हें कब install करने वाला हूँ. So आज finally आप सबका इंतजार खत्म हो रहा है, and मैं लेके आया हूँ सबसे पहले guys external TPMS from Sky Shop. So इसका मैं पहले आपको एक बड़ी content इसके दिखाया था, किस टाइप से मैं इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ आज के वीडियो में, guys ये सारी चीजें रहेंगी. So what are you waiting for? Let's get started. और गाइस मैं डिटेल्ड अनबॉक्सिंग तो इस पर्टिकुलर आइटम की कर चुका हूँ, सभी मैं खाली इसको कंटेंट से ही बाहर निकालूंगा कि इंस्टॉल भी तो करनी है. तो सबसे पहले एक स्टिकी पैड, एक यूजर मैनुअल, एंड ये एक्चुअली पूरा डिटेल इसके अंदर इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है. ये इंटरनल का एरिया, ये एक्सटर्नल का एरिया, ये बैटरी रिप्लेसमेंट का एरिया, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है. एंड इसके अलावा हमें सबसे पहले चीज यहाँ पे कुछ एंटी थेफ्ट नट्स मिलते हैं, ये लगाने बहुत जरूरी है इसके अंदर, अदरवाइज तो वैसे ही गिर जाएगा तो फिर ढूंढते रहेंगे. वैसे तो टीपीएमएस की ये बात अच्छी है स्काई शॉप वालों की स्पेशली, कि आप चाहो तो एक सेंसर भी परचेज कर सकते हो. सो एक चार्जिंग केबल है, बस इसकी जरूरत कहते हैं कि बहुत रेयरली पड़ती है, बट है अच्छी बात है. देन यहाँ पे सारे सेंसर हैं, इसमें लिखा हुआ है फ्रंट लेफ्ट, फ्रंट राइट, फ्रंट रियर लेफ्ट, एबीसीडी के हिसाब से सेंसर्स यहाँ पे हमें दे रखे हैं. प्लस ये है गाइस इसका डिस्प्ले, जिसमें एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, एक सोलर पैनल लगा हुआ है. सो अगर आप इसे अपनी कार के डैशबोर्ड पे लगा दोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली डेली जैसे सिटी में तो ये चार्ज होता रहेगा. सो अब इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले तो हमें नट चाहिए, ये रेंच चाहिए, ये सारे सेंसर्स चाहिए, लेकिन हमें डिस्प्ले को पहले ऑन करना है क्योंकि इसके मैनुअल में ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन पे, प्लीज इंस्टॉल सेंसर्स आफ्टर मॉनिटर इज ऑन. यहाँ पे ये चीज प्रॉपरली मेंशनड है. सो इसको ऑन कर लेते हैं जरा, आई थिंक उसे राइट बटन ही दबाने के लिए है. देयर वी गो, द डिस्प्ले इज ऑन. सो आप शायद देख पा रहे होंगे इसको, यप. तो इसको मैं अभी डैशबोर्ड पर बस ऐसे ही रख देता हूँ, चिपकाऊंगा ऐसे बाद में, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि इसको कहाँ पे लगाना है. सो अब सेंसर्स को गाइस बाहर लेके चलते हैं, ये नट्स के साथ उसे इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो चालू करते हैं. इंस्टॉलेशन प्रोसेस गाइस इसका रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा सिंपल है. सो सबसे पहले ऑब्वियसली बात है, हमें अपने टायर के पास आना है, एंड टायर के पास आने के बाद क्या करना है, बड़ा ही बेसिक सा काम करना है, जो कि टायर वाल्व कवर होता है जो कि छोटा सा यहाँ पे लगा होता है, इसको हटा के अपने जेब में रख लेना, क्योंकि बाद में फ्यूचर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आ जाएगा. देन एंटी थेफ्ट नट लेना है एंड उसको उसके ऊपर चढ़ा देना है आराम से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ये बिल्कुल आराम से घूम घूम के वहाँ पे पहुँच जाएगा. एंड इसके बाद गाइस हम अपना सेंसर को लेके आएंगे, सेंसर इसके बाद लगाना है यहाँ पर. आपको मैं एक बार क्लोजअप दिखाना यहाँ पे पसंद करूँगा कि ये देखो एंटी थेफ्ट नट कुछ इस तरीके से लगेगा. एंड अब बारी है गाइस ये अपने सेंसर की. सो ये फ्रंट राइट है तो यहाँ पे बी सेंसर मैं लगा रहा हूँ. सो ये घुस गया सेंसर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जस्ट स्क्रू ऑन करना है, स्क्रू टाइट करना, दैट्स अबाउट इट. इसके अंदर कोई भी लंबी चौड़ी स्टोरी यहाँ पर नहीं है. सो ये क्या सेंसर लग गया, लेकिन अभी एंटी थेफ्ट नट जो पीछे है उसको हमें रिवर्स में टाइट करना है, क्योंकि वो अभी सेंसर के साथ टच नहीं हो रहा, उसे सेंसर के साथ एकदम टाइट रिवर्स ऑर्डर में घुमाते हुए एकदम टाइट कर देना है, जो कि रेंच हमें साथ में प्रोवाइड किया हुआ है ये यूज़ करते हुए. सो इस तरीके से पहले तो आप हैंड से कर लेना जितना कि वापस वो घूम सके, क्योंकि जो अपना सेंसर है वो इससे ज़्यादा अंदर नहीं जा रहा. सो ये ऐसे पहले हाथ से जितना घूमता है उतना घुमा लेना है, एंड उसके बाद हम अपना रेंच यूज़ करेंगे एंड उसको जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा टाइट करना, वो आप उसको टाइट कर देना, एंड दैट्स अबाउट इट गाइस. इसमें यही काम करना है, इससे ज़्यादा कोई और काम इसमें नहीं करना है. जस्ट हमने पहले डिस्प्ले ऑन कर लिया था, देन अब एक एक करके सारे के सारे सेंसर्स को इंस्टॉल करना है. सो हियर वी गो, ये हमारा सेंसर एकदम टाइट इंस्टॉल हो गया, अब ये निकलेगा नहीं यहाँ से. सो सेंसर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे अभी डिस्प्ले आप नोटिस करो तीन का आ चुका है, एंड फोर्थ का शायद कुछ देर के अंदर आ जाएगा. टेम्परेचर भी आ रहा है एंड PSI भी आ रहा है. सो थोड़ी सी एक बारी कार को चला के देखते हैं एंड लेट्स सी कि वैल्यूज चेंज होती है कि नहीं होती. एंड वैल्यूज आप नोटिस करो बहुत ही ज़्यादा ऑफ है, एंड इसके अंदर हवा भरने के लिए आपको ये प्रोसेस रिवर्स में करना पड़ेगा. ये जो रेंच है ये आपको साथ ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज पेट्रोल पंप वाले इसको तोड़ देंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी. सो ये चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये रेंज को अपने ग्लव बॉक्स के अंदर ही डाल के रखो गाड़ी के अंदर या कहीं पर भी रखो, एंड हवा हो सके तो खुद अपने एक टायर इन्फिल्टर्स के साथ ही डालो तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड मैं इसमें एक्चुअली वही करने वाला हूँ कि टायर इन्फिल्टर के साथ ही मैं इसके अंदर हवा डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये खराब. तो लेट्स स्टार्ट द कार एंड कुछ अपडेट आता था मैं आपको बताता हूँ. कुछ अभी चलाते हैं कुछ किलोमीटर गाड़ी, एंड ये मैं आपको दिखा सकता हूँ जस्ट लाइक दैट, क्योंकि इसको मैंने चिपकाया था एंड सो इट शुड गो एंड ब्रेक. यहाँ से रोड पे लेते हैं. अरे वाह, अरे वाह, ओके. सो कुछ खास चलाने की जरूरत नहीं पड़ी एंड इट्स ऑलरेडी बिन अपडेटेड. आप नोटिस करो ये ब्लिंक इसलिए हो रहा है क्योंकि जो नीचे वाला टायर, मतलब कौन सा वाला, इस साइड वाला जो टायर है ड्राइवर साइड के पीछे राइट रियर, उसके अंदर हवा थोड़ी कम है, ओनली 17 PSI, दैट इज व्हाई इट इज यू नो ब्लिंकिंग.
एंड बाकी सबके अंदर एयर थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब दो टायर की जो ज्यादा ही 36 एंड 41 स्पेशली उन दोनों साइड्स की एंड 29 है इस पर्टिकुलर साइड, यहाँ की बिल्कुल ठीक है। मैं 30-32 PSI ही इस पर्टिकुलर कार के अंदर यूज करता हूँ। तो लेट्स फिर भी एक छोटा सा यू नो राउंड मार के देख ही लेते हैं एंड आई होप कि कोई सेंसर खोए ना, हो जाएगा तो यू नो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। बट स्टार शॉप की ये बात अच्छी है कि आप एक सेंसर भी परचेज कर सकते हो एंड मैं जरा एक मिनट डैश कैम को ऑफ कर दूं, उसका एक्चुअली मेमोरी कार्ड बाहर है तो दैट इज वाई वो शाउट करता रहता है कि हाँ भाई मुझे भी मेमोरी कार्ड दे दो, मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ। तो जो भी गाइस प्राइसेस रहेंगे ना इनकी एक्सेसरीज के आई मीन पार्ट्स के, वो मैं आपको यहाँ पे ही लिख के दूंगा जिससे कि आपको एक्जैक्टली एक आइडिया बना रहे कि इनकेस आपका कुछ प्रॉब्लम होता भी है इन द फ्यूचर तो वो कितने रुपए के अंदर ठीक हो सकता है। सो जरा थोड़ी सी गाड़ी चलाते हैं एंड लेट्स सी, आई होप सो कि मैंने इंस्टॉल एकदम पक्का किया हो क्योंकि मैंने टाइट तो उसको अच्छी तरीके से कर दिया था एंड वो हाथ से मैंने घुमाने की कोशिश की थी तो वहां से वो नहीं निकल रहा एंड अब जिस पर चेक करें यप स्टिल द सेम। अभी भी उतना ही है, बस थोड़ा सा टेम्परेचर 1 डिग्री के आसपास इंक्रीज हुआ है विच इज नाइस क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 300 मीटर्स के अराउंड कार ड्राइव किया होगा तो गर्मी वैसे ही बहुत बढ़ चुकी है। सो आपको मैं बाहर टायर्स दिखा देता हूँ। अभी तक तो सेंसर्स गाइस यहीं पर हैं, सो कुछ दिनों बाद मैं गाइस इसका एक आपको रिव्यू दूंगा कि हाउ गुड आर द एक्सटर्नल सेंसर्स, क्योंकि इनको इंस्टॉल करना तो सुपर डुपर टर्बो इजी है, हार्डली 10 मिनट का काम है, इससे ज्यादा काम नहीं है। बस हाँ इस पर्टिकुलर आइटम को गाइस आपको संभाल के रखना है हमेशा हमेशा, आई मीन से हमेशा इसको ग्लव बॉक्स में अंदर रख लेना क्योंकि इसका भी रिप्लेसमेंट वैसे तो स्काई शॉप मुझे लगता है प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि वो सेंसर्स देते ही हैं। सो बट स्टिल इसको अगर ध्यान से आप रख लोगे तो आपकी लाइफ सीरियसली काफी इजी हो जाएगी। बस एक यही एक एक्सटर्नल सेंसर्स के अंदर कमी है कि आपको हवा डलवाने के लिए इसको खोलना पड़ेगा, देन हवा भरनी पड़ेगी, देन रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। बट कोई नहीं, हार्डली उसमें भी 5 मिनट लगने हैं, बट पेट्रोल पंप पे हो सकता है कहीं मेरी बंदा जल्दी में होता है तब थोड़ी सी वहाँ पे दिक्कत आ सकती है, बट नॉनदलेस एक बारी का काम है। वैसे तो हमारी रीडिंग बढ़िया रहेगी, यहाँ पर अगर हमें नोटिस करो सेम रीडिंग 36, 42, 30, 17। तो ये अगर रीडिंग हमें पहले ही पता चल जाएगी कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर टायर के अंदर हवा कम हो रही है तो हम पहले ही इसका रेक्टिफिकेशन कर देंगे, राइट। सो है तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल थिंग एंड बीइंग अ सोलर पैनल पावर डिस्प्ले सो मुझे नहीं लगता इसमें कभी चार्ज करने की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बट इन केस कभी पड़े तो उसमें माइक्रो यूएसबी केबल साथ में आती है, यहाँ पे है इसका चार्जिंग पोर्ट आप देख सकते हो। डिस्प्ले गाइस मैंने ये डैशबोर्ड की सेंटर पोजीशन फाइनल कर दिया क्योंकि एक तो यहाँ पे इसको सनलाइट मिलने वाली है भर भर के कि वहाँ पे सनलाइट की आपको पता है ग्लास एरिया पुंडो आगो ज्यादा बड़ा होता है एंड एक बार इसको फिर से ऑफ कर दूं यार ये पिक पिक करके मेरी जान ले रहा है। There we go. So, full sunlight solar panel को मिलने वाली है एंड स्टिकी पैड से उसको चिपका दिया है एंड अब उसमें कुछ भी नहीं करना। सो अब इसको गाइस कुछ दिनों यूज करूंगा एंड उसके बाद गाइस आप उसका एक डिटेल्ड रिव्यू दूंगा हाउ हेल्पफुल और हाउ गुड दिस पर्टिकुलर स्काई शॉप TPMS इज। एंड आपकी गाइस कोई भी क्वेश्चन कोरी रिगार्डिंग इसके इंस्टॉल पे एंड इसके फंक्शनलिटी पे रहेगी तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इस डिस्प्ले के अंदर हमें कुछ बटन भी देखने को मिलते हैं, सो इसका गाइस मैं कुछ एक सेपरेट आपके लिए यूनिट देने वाला हूँ अगर इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट बात हुई तो। वैसे अगर एक लेमन के हिसाब से बात करें, एक नूब के हिसाब से बात करें जो कि मैं खुद हूं, तो हमने बस सेंसर्स को कनेक्ट किया टायर्स के साथ एंड डिस्प्ले को उससे पहले हमने ऑन कर दिया था, बस इतना से ही काम करना है एंड डिस्प्ले पे रीडिंग आप नोटिस करो
बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे एक डिस्प्ले पर रीडिंग आ रही है। और अभी एक टायर का इसने मुझे बता ही रखा है 17 चल रहा है पीछे वाले टायर का, सो वो गानी खराब है उसको मैं ठीक कर दूंगा। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस, लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर शॉर्ट इंस्टॉलेशन वीडियो ऑफ द स्काई शॉप TBMS। इसका गाइस एक डिटेल्ड नॉट डिटेल्ड बट एक परचेज लिंक Amazon का डिस्क्रिप्शन में रहने वाला है, आपको अगर इनकेस पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हो। सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर एडेड है ऑलरेडी। सो कुछ भी आपकी क्वेश्चन क्वेरी रहेगी तो प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, राइट? सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, टेक केयर यू गाइस।